एंड आप 931 भाई का भी ई ट्रैक करवा ही देंगे। सो गाइस राइड जो हमने स्टार्ट कर दी है, ये आज तबाही सीन होने वाला है, एकदम तबाही, क्योंकि दो सुपर लाउड टेन आ रहे हैं। ये देखो बहुत ज्यादा लाउड है। फाइनली आज के व्लॉग की शुरुआत जो ऋषिकेश से हो रही है, तो अभी हो रही प्यारी से मॉर्निंग, अभी बज रहे मॉर्निंग के 8:30, तो लगभग 9 बजे करीब टोकन भाई और भी आने वाले देहरादून से, तो आज एक राइड होने वाली है। वैसे आज है सैटरडे और टाइम तो हम संडे को राइड करते, तो इस बारी हम सैटरडे को राइड करने वाले हैं क्योंकि संडे को ज़्यादा भसड़ हो जाती है। और अभी जो है 2 टैनर आने वाली है और एक टोकन भाई की 220 होने वाली है, बाकी मैं हूँ, साथ में है केशु भाई। तो फिलहाल अभी का ये सीन है कि अभी हम बाइक को वॉश वगैरह कर रहे हैं, तो ये चेक करो गाइस, जेक अपना यहाँ पर है एंड अभी मैं इसको वॉश ही कर रहा था भाई, तो फटाफट से इसको वॉश करते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई आज नरेंद्र नगर। सो गाइस जेक को मैंने वॉश वगैरह कर दिया एंड तुम्हारा भाई भी फ्रेश वगैरह हो चुका है, सब कुछ एकदम रेडी हो चुका है नहा धोकर के। एंड जेक का लुक चेक करो गाइस, क्या ही चमक रहा है एकदम बढ़िया करके। बाकी मैंने इसकी चैन भी बढ़िया करके वॉश वगैरह कर दिए। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं फील अप वगैरह करवा करके। सरप्राइज मदरफकर। तो ये रही 2 टनार। सो गाइस आज मैं गलती से नी गार्ड लाना भूल गया यार, आज नी ड्रैक कैसे होगा अपने, दे दो भाई। ये है मैं जल्दीबाजी में लाने भूल गया यार। तू तो तेरे दांत निकाल दो। अबे यार देखो नोज़लर है। क्या क्या बोला तूने? यही नहीं, अभी और सुनिए। हां देख वाओ, जागीर भाई का नाम कैसे कुछ तो आग रही है गाड़ी है ना, R1C क्यों लग रही है। अब तुमने आरसी निकाल ली क्या? ना भाई, हमने निकाल दी, डीएल निकाल लिया। चलो यार, चल चल एक मिनट यार। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने मोटो जीपी ट्रैक यानी नरेंद्र नगर में। बाकी अभी सारे के सारे राइडर्स हमें मिल चुके हैं, सारी की सारी बाइक्स ये लगी हुई हैं एंड वो मेलो के टनर में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई पीछे नंबर प्लेट वगैरह की, तो अभी हम सब लोग निकलने वाले हैं। और भाई नी गार्ड का भी जुगाड़ हो चुका है, तो ये विराज भाई के नी गार्ड है, इन्होंने अपने मेरे को दे दिए, तो विराज भाई से मैंने नी गार्ड मांग लिया, उन्होंने अपने नी गार्ड दे दी यूज़ करने के लिए, तो आज इनको भी पूरा छिल देंगे। सो गाइस राइड जो हमने स्टार्ट कर दी है एंड अभी निकल चुके हैं सभी के सभी राइडर्स। ये देखो बगल से टनर निकलती हुई, और आज हमारे पास 2 सुपर लाउड ZX टनर है भाई, तो बहुत ही गजब का सीन होने वाला है। वो देखो पत्थर के उछाल के फेंक रही है भाई, बहुत ज़्यादा लाउड है भाई, बहुत ज़्यादा। भाई ने लिए नई RC390, तो भाई को कॉन्ग्रेट्स, बधाई हो, एक और नई पीस हमारे बीच आ चुकी है। तो गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना एंड स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। तो भाई आज तबाही सीन होने वाला है, एकदम तबाही, क्योंकि 2 सुपर लाउड 10 आ रहे हैं। तो अभी अपना नी टच हो गया, विराज भाई की नई गाड़ है, पूरा छिल के रख देंगे ना, धूप एकदम बढ़िया से आ रही है, तो कहीं पर छाव है कहीं पर धूप एंड अभी सबसे आगे मैं ही चल रहा हूँ। ये बढ़िया सा कॉर्नर लेते हुए हमारे डीवंस भाई एंड मे भी अब इनका नी टच होने लगे, क्योंकि अब तक तो भाई नेकेड थी बट अब आ चुकी है फेयरिंग बाइक, तो फेयरिंग बाइक में नी नहीं करा तो फायदा फिर फेयरिंग बाइक का, तो भाई नी करना तो बनता है यार। बहुत ही बढ़िया करके टच हुआ अपना नी, थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि सभी राइडर्स से मैं आगे आ चुका हूँ, तो इतना आगे चल के भी क्या फ़ायदा, बंदे तो अपने सारे पीछे ही है। तो अभी चल चुके फुल पावर। ये देखो भाई सुपर लाउड ZX टनर, बहुत ही ज़्यादा लाउड है भाई, बहुत ज़्यादा, एरो का उसमें एग्जॉस्ट लगा है फुल सिस्टम, तो भाई तबाही होने वाला है सीन। और अभी ठंड नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं है, अगर लो होता तो भाई क्रैकल साउंड आते एक तरफा ही। वो देखो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते हुए निकल चुके अभी सारे के सारे लौंडे आगे। मे भी फ्यूचर में जब सुपर बाइक लूँगा तो भाई फेयरिंग ही लूँगा, नेकेड में यार वो मज़ा नहीं है भाई, कॉर्नरिंग का फील और वाइब जो है ना भाई, वो एक फेयरिंग बाइक में ही है। बहुत ही तगड़े पटाखे छोड़ रही है ZX टनर, कितनी ज़्यादा लाउड है भाई। ओहो
ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। एक तरफा कॉर्नर ले रखे लॉन्डो ने, एंड आज तो 91 भाई का भी हीट ट्रैक करवा ही देंगे। वो थोड़ा सा पोजीशन गलत लेते हैं, बाकी तो सही है, क्योंकि लीनिंग के लिए आपको बाइक ज़्यादा झुकानी नहीं पड़ती, थोड़ा आपको नी निकालना पड़ता है, तो वो चीज़ अभी इनको आ नहीं रही है समझ बढ़िया करके। अपनी ट्यूब 390 में इसलिए नहीं लाता भाई ट्रैकर को, बिकॉज उसका ना पिछले वाला टायर जो है वो मैटर स्टॉक, और वो ना ग्रिपिंग अच्छी प्रोवाइड नहीं करता, तो कहीं बार ना बाइक स्केट होने से बचती है, तो इसलिए यार मैं उस बाइक को लेकर के नहीं आता। एंड अपोलो H1 में दलवाने वाला हूँ, फ्रंट तो मैंने दलवा दिया है बट बैक रह रहा है, तो वो जल्दी से दलवा लेंगे, उसके बाद जाके ट्रैकर पे भी नी ट्रैक कर देंगे। ऑलमोस्ट होने वाला था, उसमें थोड़ा थोड़ा रह गया था बस। तो यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग तो है बट यहाँ पर रोक नहीं रहे, थैंक गॉड, वरना सीन हो जाता भाई। विराज भाई एंड टाइम पे स्पीड लो कर ले रहे भाई, जब जैसे मैं मुंह पे पहुंच रहा वैसे स्पीड कम कर ले रहे, इनके पीछे चलना बेकार है भाई। और इस साल तो गर्मी है बहुत भयंकर ही पड़ने वाली है भाई, क्योंकि ठंड तो इतनी भयंकर पड़ी नहीं, तो इस बार गर्मी बहुत ही लाजवाब पड़ने वाली है भाई। यहाँ पर केशव भाई भी बढ़िया लीन करते हुए डोमिनर में। बजाज की गाड़ियों की मुझे को सबसे बेकार बात ये लगती है कि इनके अलॉय बहुत पतले होते हैं भाई, 250 cc की बाइक है पर भयंकर उसके टायर जो सेक्शन है ना भाई 130 दे रखा है, तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है यार। NS200 में भी वही सेम प्रॉब्लम, इसी वजह से मैंने सेल करी थी, मतलब बाइक का लुक ना ब्रॉड नहीं आता एकदम, जैसे KTM को देखो कहाँ 125 में ये भाई वो 150 और 110 सेक्शन का टायर देती है, तो भाई बहुत ही गजब की बात है। कितना खूबसूरत नज़ारा है यार यहाँ से, बहुत ही बढ़िया जगह है यार, मतलब कोई भी आता ना भाई खुशी हो जाता है यहाँ आकर के। ये देखो भाई दो रोड आना एक साथ, एक फ्रेम है भाई, लड़कों के रिएक्शन, ये देखो क्रैकल साउंड भाई एक तरफ भाई, डाउन स्ट्रीट पर तो बहुत ही तगड़े साउंड कर रही है भाई, पट 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 करके। ये देखो भाई भाई फुल थ्रॉटल तो भगा ही नहीं सकते, ये बहुत प्यार के साथ चलना होगा यहाँ। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा लाउड है, यहाँ पर भाई लोग हाथ करते हुए, ओहो क्रेजी साउंड भाई, क्रेजी साउंड, रिएक्शन देखो भाई, जितने भी लड़के मिल रहे हैं ना भाई हर किसी का थम्स अप, हर कोई कुछ ना कुछ इशारा कर ही रहा है। ये देखो पटाखों की आवाज भाई, हाथ दर्द करके भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा भोजनालय। आज वो यार अंदर से वाइब नहीं आई यार, हाँ ना आज नहीं आई वो जो आते थे ना बहन चो,